हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज हम कार्बन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे कि एलोट्रॉफ क्या होते हैं, एलोट्रॉफी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे जब भी वो हमारे एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करा दें तब, ठीक है। उसकी जो बॉन्डिंग होती है वीक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, देखें एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो लिखा है दे आर यूजली लिक्विड और गैस ड्यू टू वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ओनली सम आर सॉलिड। ये जो हमारा बॉन्ड है वो यूजली कहाँ होगा, लिक्विड और गैस में होगा, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए यूजली कहाँ होता है, ये लिक्विड और गैस में। दूसरा प्रॉपर्टी है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी का सब में लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ड्यू टू अ वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। मतलब ये फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कहीं तो बहुत कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बीच में बहुत कम है। वही अगर आगे बात करें दे आर जनरली इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, इन सोल्यूबल होते हैं पानी में और सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस। इनके पास आयंस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ होती हैं, इनके होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, तो आगे हम जानकारी लेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अग्रेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की अग्रेंस कहाँ से होती है, तो फ्री स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट की बात करें तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एक है बकमिंस्टर फुलरेनस। ये होते हैं तीनों एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कहते तो फ्री स्टेट में कार्बन पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गए या तो लाइमस्टोन CaCO3 वगैरह, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस, ये सब हो गया। तो ये हमारे कंबाइंड फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन की बात करें, एलोट्रॉफ क्या होते हैं, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉफ ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए, उनको हम क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉफ पढ़ेंगे, और ये वाली प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं एलोट्रॉफी। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी, ठीक है, और जो सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारा है एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी का बच्चों मतलब यही है, एलोट्रॉफी का मतलब कि जो भी हमारे एलिमेंट दे रखे हैं, एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट हमारा जो है, सिंगल एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड हमारा दो या दो से अधिक सेम एलिमेंट से मिलकर बना हो, उसको हम क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन अगर कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड बना है तो दो या दो से अधिक कार्बन को मिला के अगर बनाए तो हमारा क्या होगा, एलोट्रॉफ बनेगा, किसका, कार्बन का। तो जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एलोट्रॉफ जैसे हो गया ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तो ये बकमिंस्टर फुलरेनस हो गया, ये हमारे क्या है, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है। किस तरह हम कंसीडर करेंगे, तो जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ग्रेफाइट की बात करें तो एक कार्बन जो है अदर तीन कार्बन से जुड़ा होता है, अटैच होता है, ठीक है, बॉन्डेड होता है, एक कार्बन फिर से तीन कार्बन से जुड़ा होगा, तो इस तरह से हमारी क्या होती है, ठीक है, एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच होता है, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहते तो एक हमारा अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो बैलेंस नहीं होता है, बॉन्डेड नहीं होता है, जिसको हम पढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कराएगा।
ठीक है, तो एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन तीन कार्बन से, एक कार्बन तीन कार्बन से, देखो ये वाला कार्बन कंसीडर करो तो एक इधर एक इधर एक इधर, एक कार्बन तीन कार्बन से, एक कार्बन तीन कार्बन से, ठीक है, तो ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट। वही अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या, एक एक कार्बन चार कार्बन से, एक कार्बन चार कार्बन से, एक दो तीन चार, जब एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन जो चार कार्बन से जुड़ा होगा तो कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा। क्लियर। वक्त मिनिस्टर फुल रेंज जो है वो हमारी क्या होती है, C16 इसको पढ़ते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी जानकारी अभी अधूरी है, ठीक है, तो पूरी जानकारी इसकी अभी नहीं है। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस डायमंड और ग्रेफाइट में, तो ये बना हमारा डायमंड, ये बना ग्रेफाइट। तो लिखा है कि डायमंड जो है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना, बहुत अच्छी ब्राइटनेस के साथ दिखाई पड़ता है। ये ग्रेस ब्लैक ऑफिक सब्सटेंस होता है, ये ऑफिक सब्सटेंस होता है, आर पार दिखाई नहीं देता है इसके। दूसरा अगर देखें, ईच कार्बन लिंक टू फोर अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन जो होगा वो नियर चार कार्बन से जुड़ा होगा। वही अगर ग्रेफाइट की बात करें तो एक कार्बन जो है लिंक होता है किसके, तीन कार्बन से, एक कार्बन जब तीन कार्बन से लिंक होगा तो एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। इट है रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, रिजिड होता है। इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर, कहें तो लेयर, कैसा स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। जब भी आप पेंसिल से लिखते हो कॉपी के ऊपर तो अपनी एक वो लेयर को छोड़ता हुआ चलता है, जिसको हम पढ़ते हैं लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो लेयर स्ट्रक्चर होता है ये। फॉर्म इसका होता है हेक्सागोनल होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। डायमंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वही अगर देखें हम ग्रेफाइट का, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंस है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, ये क्या होता है, हार्ड होता है बहुत, हैवी होता है, ये सॉफ्ट और लाइट होता है एज कम्पेयर टू डायमंड, डायमंड के कम्पेयर में सॉफ्ट होता है और बहुत हल्का होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो डायमंड का यूज़ होता है कहाँ, प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, किसका, डायमंड का। ब्लैक डायमंड आर यूज टू कटिंग ग्लास, ग्लास को कट करने में हम ब्लैक डायमंड का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज मेकिंग इलेक्ट्रोड लुब्रिकेंट एंड लेड पेंसिल, तो जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, क्या होता है, स्लिपरी होता है, जब ज़्यादा स्लिपरी है तो हम उंगली के बीच में रखें वो क्या होगा, चिकना फील करेंगे, तो इसको हम लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट के प्रयोग रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कैथोड एंड एनोड, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इसको एक हिस्से बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट, तो मूविंग पार्ट के बीच में क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो इसको हम पढ़ते हैं लुब्रिकेंट, तो ड्राई लुब्रिकेंट के प्रयोग में हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं। लेड पेंसिल की बात करें, तो लेड पेंसिल हमने देखी होगी, तो ये लेड होते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक। अब आता है फुल रेंज, तो इलेक्ट्रोप कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है, इसको हम C60 पढ़ते हैं। अरेंज होता है इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट वो लाइक ज्यूरेसिक डोम डिजाइन, ठीक है, ये हमारा बाय US आर्किटेक्ट वर्क मिनिस्टर फुलर, तो ये US में एक वो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी जैसा बिल्कुल दिखता है, जिसको हम पढ़ते हैं जियोडिस्क डोम, ठीक है, जो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, आर्किटेक्ट थे किसके, वर्क मिनिस्टर फुलर, उसी के नाम पे ये रख दिया गया, ठीक है, ये थी साइंटिस्ट। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहले बच्चों बात करें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ दीज कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये है कि कार्बन हमारे कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन, वॉट वुड बी द रीजन फॉर दिस, टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंबाइंड आर कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। तो वर्सेटाइल नेचर कौन कौन से हैं, पहला है तुम्हारा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब अच्छा होता है कि कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, चार, चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन का वो लिंकेज है वो किस तरह से लिंकेज है, सही, लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम,
तो कैटेनेसी प्रॉपर्टी की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो एक प्रॉपर्टी है ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा स्टेट चेन। तो पहला है स्टेट चेन, मतलब कार्बन 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 बिल्कुल सब सीधी लाइन के रूप में लिंक हों तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, स्टेट चेन। ठीक है, उसके बाद आती है ब्रांच। तो ब्रांच की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद ये कार्बन ही लगा हुआ है, मतलब इस तरह से कार्बन 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 और ये कार्बन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया ये, तो ये क्या होगी, ब्रांच होगी। क्या होगी बच्चों, ब्रांच होगी। तो ब्रांच लग गई तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रांच चेन। ठीक, उसके बाद आती है बच्चों क्या, क्लोज चैन। क्लोज चैन का मतलब क्या होता है, एक क्लोज चैन बना दी, लूप बना दी, क्या बना दी बच्चों, लूप। क्या बना दे बच्चों, लूप। ठीक है, तो ये हमारा लूप है, वो कार्बन 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 कार्बन, तो ये क्या है, कार्बन के कार्बन के बीच में सिंगल बोन सिंगल बोन, कार्बन सिंगल बोन कार्बन सिंगल बोन, कार्बन सिंगल बोन कार्बन सिंगल बोन, तो ये बिल्कुल क्लोज लूप है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोज चेन। क्या पढ़ेंगे, क्लोज चेन। ठीक है, नाम क्या होगा, ये IUPAC वगैरह हम पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे तब बताएंगे इनके बारे में। कार्बन एटम मे बी लिंक बाई स्टेट सिंगल डबल और ट्रिपल बोन। तो कार्बन जो है सिंगल बोन डबल बोन और ट्रिपल बोन के रूप में भी ये लिंक हो सकते हैं, किस तरह से लिंक होंगे इनकी जानकारी अभी हम देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये देखा आपने, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हो गया, देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये हम बताएंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एलिमेंट दैट शो कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दिखाएगा कार्बन और सिलिकॉन, जैसे हो गया कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सल्फर और कार्बन सिलिकॉन फॉस्फोरस। ठीक है, ये कुछ हमारे एलिमेंट हैं। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ फोर, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद फोर अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है जिसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होए, इसको हम पढ़ेंगे टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन है, कार्बन के पास कितने होते हैं, चार होते हैं, तो चार यह क्या करता है, हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करवाता है अपने साथ। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं। ठीक है, भाई का रिश्ता निभाते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पर हो गया चार। ठीक है, तो लिखा एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, प्लांट से ही वो करे गए थे ऑप्टेन। तो लिखा था एनिमल एनिमल्स कंपाउंड, प्लांट ऑर्गेनिक एनिमल कंपाउंड ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल मिनरल्स इनऑर्गेनिक फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वॉज पॉस्टुलेट दैट ए वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था वोलर, जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने 1828 में बताया था कि यूरिया आर फ्रॉम अमोनियम साइनाइट, तो अमोनिया साइनाइट से क्या बनता है, ये हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये कैसा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर्स टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। तो हमारे सारे वो कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन होएगा, अब वो सारे कहाँ से हमारे ऑब्टेन कराए जाएंगे, लिविंग सिस्टम से। नाउडे विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, और उनको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो जैसे हो गया हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलो एल्केन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन विनेगर, सही, ये सारे क्या है हमारे हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने ये सारी जानकारी ले ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सिंगल बोन कब लगेगा, डबल बोन कब लगेगा, इसकी जानकारी हम बाद बताएंगे, एल्केन एल्कीन और एल्कान जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान रखें कि किस तरह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, तो कैटेनेशन हमने बता दिया, कैटेनेशन का मतलब होता है कि लिंकिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, किस तरह से वो लिंक है, या तो स्टेट चेन में होंगे या ब्रांच में होंगे या फिर किस में होंगे, क्लोज चेन में। क्लोज चेन की बात करें जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन
कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक वो बनाते हैं क्लोज, तो इसको हम पढ़ेंगे साइक्लोपेंटेन। क्यों पढ़ेंगे आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन को हमने डिवाइड कर रखा है, सही, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, किस तरह से हम उसके नॉर्मल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।